हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइस, आई होप आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारी लेसन प्लान्स लेटेस्ट फॉर्मेट में आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कराती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज के इस लेसन प्लान वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ EVS का लेसन प्लान, जिसका उप विषय यानी कि टॉपिक है ज्ञान इंद्रिया यानी कि सेंसेस। क्लास सेकेंड के लिए ये है, जिसकी अवधि है 30 मिनट। तो आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये लेसन प्लान भी बहुत पसंद आएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप पाठ योजना लिखते हैं, देन आपको सीरियल नंबर डालना होता है, उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम जिसमें आपका नेम आएगा, देन विषय में पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS, उप विषय में ज्ञान इंद्रिया यानी कि सेंसेस, देन डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन जो कि हमारी है 30 मिनट्स, क्योंकि जो नॉर्मल क्लास का टाइमिंग होती है एक पीरियड आपका 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम 40 मिनट्स का, बट 35 मिनट्स के होते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा है, बच्चे यह जान पाएंगे कि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार को समझने के लिए ज्ञान इंद्रिय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड, बच्चे हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ व त्वचा के बारे में जान पाएंगे। बच्चे जान जाएंगे कि हम एक समय पर अपनी एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शामपट, चौक, डस्टर और फ्लैश कार्ड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण विधि, जिसमें मैंने लिखा है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके अलावा आप यहाँ पे क्रियाकलाप विधि का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कैसे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। बच्चे एक दो ज्ञान इंद्रियों के बारे में जानते होंगे और उन्हें पहचानते होंगे, जैसे कि आइस, नोज, ईयर, इन सब के बारे में बच्चे जानते होंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना, जिसमें हम क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ करते हैं या फिर पजल मेथड यूज़ करते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप इस तरीके से तीन कॉलम बनाते हो। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ किया है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों बताओ हम कैसे सुनते हैं? तो बच्चे बोलेंगे कान से। सेकेंड, हम देखने के लिए कौन सी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं? बच्चे बोलेंगे आँख। सबसे बड़ी ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे पास एक और आइडिया है, आप क्वेश्चनिंग मेथड के बजाय बच्चों को बता सकते हो कि आपके कान को ऐसे टच करके बता सकते हो कि ये क्या है। तो बच्चे बोलेंगे कान। देन आप पूछ सकते हो कि ये किस यूज़ में आते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सुनने के लिए। आप ऐसे ही आँख के बारे में उनसे पूछ सकते हो। एंड देन आप उनसे पूछ सकते हो कि ज्ञान इंद्रिया क्या होती है, क्योंकि सेकेंड क्लास के बच्चे हैं एंड आई डोंट थिंक कि उन्हें सेंसेस के बारे में पता होगा कि सेंसेस क्या होता है। उन्हें ये तो पता होगा कि आइज, नोज, ईयर ये सब होते हैं, बट सेंसेस जो वर्ड है उसके बारे में वो नहीं जानते होंगे। तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है, जिसको कनेक्ट करके आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो टॉपिक की अनाउंसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम अपनी पांच ज्ञान इंद्रिय आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं चार। पहला आपका क्रम संख्या का होता है, देन शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, देन क्लासरूम एक्टिविटी, देन इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो पहले ज्ञान इंद्रियों की जानकारी, छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगी, लिखेंगे हम, आँख हमारी एक ज्ञान इंद्रिय है। आँखों की मदद से हम अपने आसपास की वस्तुओं व लोगों को देख पाते हैं। इसकी मदद से हम विभिन्न वस्तुओं के आकार, आकृति, रंग आदि को पहचान पाते हैं तथा देख सकते हैं। ओके, उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेकंड हमारा है नाक के विषय में जानकारी। बच्चों हमारी अगली ज्ञान इंद्रिय नाक है। जब हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं या नाक की नसें, उसका संकेत हमारे दिमाग तक पहुंच जाती हैं। दिमाग उन संकेतों के जरिए पता लगाता है कि उस वस्तु की सुगंध अच्छी है या नहीं। छात्र क्रिया, छात्र बताते हैं कि हम अपने पास कौन सी गंध महसूस करते हैं तथा चित्र को देखते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को
या तो फ्लैश कार्ड दिखा सकते हो, बट सबसे अच्छा TLM जो आपका होता है वो आपके स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आप ईयर को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, आप नाक को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, या फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सुगंध के बारे में बात किया, अच्छी या बुरी सुगंध। तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किसकी सुगंध अच्छी लगती है और किसकी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है कान के विषय में जानकारी। तो बच्चों तीसरी ज्ञान इंद्रिय हमारी कान है। कान के ज़रिए हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं। कान की नसें भी दिमाग तक संकेत पहुंचाती हैं। यहाँ पे आप एक एक्टिविटी करा सकते हो, क्योंकि आपके पास फ़ोन रहेगा आपकी टीचिंग में, आपके SEP के टाइम में जब आप स्कूल में पढ़ाओगे, तो आप अपने फ़ोन में पहले से ही अलग अलग तरीके की साउंड्स को डाउनलोड कर लेना, लाइक ट्रेन की वॉइस, पानी बहने की वॉइस, चिड़िया की वॉइस, ड्रम की वॉइस। तो आप उन्हें ऐसे प्ले करके बच्चे से पूछ सकते हो कि बच्चे बताओ ये किस चीज़ की साउंड है, तो बच्चे उसको रिकग्नाइज़ करके आपको बताएंगे कि मैम ये ट्रेन की वॉइस है। तो ये एक्टिविटी आप यहाँ पे करा सकते हो, ये एक फ़न गेम भी हो जाएगा बच्चों के लिए और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा। देन फोर्थ हमारी है, हमारी एक जीभ होती है जिसके ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि किसी चीज़ का स्वाद खट्टा मीठा कड़वा नमकीन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। आप जैसे यहाँ पे हमने चार टेस्ट के बारे में बात की है, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन। तो आपके क्लास में 4 रोज़ होती हैं, आप भी अभी स्कूल करके आए हैं, तो आपकी जो क्लासरूम होती है उसमें 4 रोज़ होती हैं। तो आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो और एक क्विज करवा सकते हो कि ग्रुप ए बताएगा कि खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती है, देन ग्रुप बी बताएगा मीठी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। इसी तरीके से आप कड़वी चीज़ें और नमकीन चीज़ों का भी बच्चों से पूछ सकते हो। इवैल्यूएशन के लिए हम पूछ सकते हैं कि हमें स्वाद का कैसे पता चलता है। देन आता है आपका टच, त्वचा के बारे में जानकारी। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र हमारी पांचवी सबसे बड़ी ज्ञानेंद्री होती है त्वचा, यानी कि आपकी स्किन। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसके ज़रिए हम महसूस करते हैं, यह पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, गीली है, सूखी है। छात्र क्या करेंगे, सुनेंगे वे समझेंगे, बट यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने सब कुछ छात्र क्रिया में सिर्फ यही लिखा है कि सुनेंगे समझेंगे, बट छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल जब तक चीज़ें करवाएंगे अगर हम, तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा याद होती है। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा बच्चों के लिए रखें। मैं आपके साथ ये मैंने शेयर कर दिया है, साथ में मैंने आपके साथ अपने और भी आइडियाज़ इसमें ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि ये लेसन प्लान मेरा नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो यहाँ पे फिफ्थ जो हमारी है स्किन जो सेंस है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक एक्टिविटी जिसमें आप बच्चों को फ़ोटो दिखा सकते हैं, लाइक करेले की फ़ोटो दिखा सकते हो। बच्चे से पूछेंगे कभी आपने इसको टच किया, तो बच्चे बोलेंगे हाँ। तो आप पूछेंगे कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे थोड़ा खुरदरा खुरदरा होता है। फिर बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने कभी बर्फ़ को टच किया वो कैसी होती है, तो वो ठंडी होती है। तो चाय कैसी होती है, तो बच्चे बोलेंगे गर्म होती है। तो आप इस तरीके से फ़ोटो दिखा के बच्चे से पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने सराउंडिंग से ही सीखता है, तो वो अपने सराउंडिंग्स में से, अपने घर में से देख के आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड यकीन कीजिए आपकी क्लास बेस्ट होगी अगर आप इस तरीके से ये टॉपिक पर लेसन प्लान डिलीवर करते हैं और क्लास लेते हैं। देन आपका आता है रिकैप्चुलेशन। तो आप इसमें भी कोई डिफरेंट वर्कशीट बच्चों के साथ करा सकते हैं, बट यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रिय हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेकंड है हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिया हैं, थर्ड हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। बट यूज़ कीजिए यहाँ पे वर्कशीट मेथड होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। लास्ट हमारा है गृह कार्य। आपको घर से 5 ज्ञान इंद्रियों की तस्वीर बना के लानी है तथा उनके बारे में 3-4 लाइन लिख के लानी है। तो ओके ठीक है, होमवर्क आप इस तरीके का और भी कोई क्रिएटिव होमवर्क दे सकते हैं। क्या होमवर्क आप दे सकते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे आइडियाज़ सजेशंस आपको पसंद आए होंगे। इफ़ यस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, अच्छा लगे तो शेयर करना। चैनल पर अवेलेबल और भी लेसन प्लान वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू गाइज़ फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग।